हेलो एवरीवन, वेलकम टू जायका का खजाना। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, बिना ऑयल के चाट। और वो चाट के लिए हम उसका बेसिक इंग्रेडिएंट ले रहे हैं, मूंग दाल। हम इसे मूंग दाल की पकौड़ी भी बोलते हैं। हम आज बनाएंगे मूंग दाल की पकौड़ी चाट, दिल्ली स्टाइल में, बहुत ही टेस्टी, ऑयल फ्री। और टेस्ट सेम होगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, काफ़ी अच्छी, बल्कि काफ़ी अच्छी और काफ़ी हेल्दी लगेगी। भरपूर टेस्ट से बनाएंगे हम लोग। तो चलिए इसे किस तरह से बनाते हैं मैं बताती हूँ। इसे 4 घंटों के लिए भिगो दिया था पानी में। अब हम इसे जीरा डाल करके, जीरा ले रही हूँ यहाँ पर, हल्दी लिया है, और इसे हम सॉल्ट डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार, जिस तरह से आप सॉल्ट लेना चाहें आपके अकॉर्डिंग ले लेंगे। इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इसमें एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाल दिया मैंने, ये देखिए। और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये काफी अच्छे से, हमें इसमें पानी नहीं डाला हुआ है, बिना पानी के इसे ग्राइंड की है। और ना तो बहुत महीन पीसी है, यानी कि बहुत बारीक नहीं पीसी है, ना तो बहुत दरदरी है, मीडियम है इस तरह से, ये देखिए। और अब हम इसमें कुछ एक्टिव, कुछ अलग से इंग्रेडिएंट डालेंगे। ये मैं यहाँ पर थोड़ी सी मिंट लीफ डाल रही हूँ, पुदीने, हरा धनिया भी चाहे तो आप डाल सकते हैं, हरी मिर्च है, ये कटी हुई हरी धनिया है, धनिया के पत्ते। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अनियंस हैं, प्याज, एक बड़ी प्याज है, बहुत छोटी छोटी सी कट की हुई है मैंने इसमें। और ये काफ़ी टेस्टी लगती है, आपको टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इसमें। तो इस तरह से हम इसमें ये सारी चीज़ मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं एक, जैसे कि बनाने का हमारा ये है कि अगर ये मूंग दाल, हींग थोड़ा डालेंगे, अगर ये मूंग दाल बिना हींग के अगर आप इस तरह से खाएं तो थोड़ा सा भारी लगती है, तो इसीलिए थोड़ी हींग। अब ये साबुत काली मिर्च है, अगर ना चाहें तो ना डालें, बट ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, इसीलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इन सबको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सॉल्ट हमने पहले ही डाल दिया था, तो अब नहीं डालेंगे। ये मिक्स कर रही हूँ मैं, आप चाहें तो इसको बहुत अच्छे से हैंड से भी मिक्स कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसमें थोड़ी सी कैरेट भी आप कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने, मुझे चाट बनाना है तो कुछ आगे में बहुत सारे सैलेड का यूज़ करूँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें नहीं ऐड किया है। तो ये इस तरह से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉल्ट हमने दाल में पीसने के टाइम ही डाल दिया था, क्योंकि एक साथ में एक जगह पर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसीलिए ऑलवेज, जब भी हमेशा आप दाल की भजिया बनाएं, पकोड़े यानी के, तो आप उसमें नमक को डाल करके ही मिक्सी में ग्राइंड कर लें, पीस लें। इस तरह से आपको सॉल्ट ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है, और ये मिक्स करने के बाद में हम इसके पकोड़े बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक नए तरीके से, यूनिक तरीके से मैं पकोड़े बनाऊँगी, तो जो मैं आप लोगों के साथ, मेरा मन किया कि मैं शेयर करूँ। और ये डिश बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, बहुत ही स्वाद देती है, क्योंकि हम लोग जब डाइट करते हैं तो हमें कभी कभी मन करता है चाट खाने का, और हम ऑयली की वजह से रुक जाते हैं। तो ये बिना ऑयल का है, जो काफ़ी टेस्ट देगा, और बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि ऑयल वाला ज़्यादा अच्छा था। ये देखिए, अप्पे के मोल्ड में मैंने यहाँ पर पहले से गैस पे रख दिया है। अब हल्का सा एक एक ड्रॉप मैं ऑयल फर्स्ट सेशन में लगा रही हूँ, फर्स्ट वाली बैच में। तो इस तरह से हम इसको ब्रशिंग कर लेंगे, और ब्रशिंग करने के बाद में हम इसमें ये सारे जो हमने बैटर रेडी किया था पकोड़े का, इसमें हम ऐड करते जाएंगे। तो ये ग्रीसिंग हो चुकी है, ये देखिए। इस तरह से मैं इसमें ये जो बैटर है पकोड़े के, इस तरह से डाल दी जाऊँगी, और काफ़ी अच्छे से, मतलब ये सिक जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं। इसी तरह से हम सारे मोल्ड के अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं उसको भर देंगे। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, छोटे या बड़े, किस तरह से बनानी है, साइज़ मैंने थोड़े बड़े साइज़ के ही रखे हैं,
और ये बहुत फ्लफी बनते हैं, बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनते हैं, बाहर से क्रिस्पी होंगे अंदर से सॉफ्ट होंगे। और इसमें जो हमने हरा धनिया, पुदीना और हमने प्याज इस सारे जो हमने ऐड किए हैं, इसका एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस तरह से मैं सारे ऐड करती जाऊँगी। ये इस तरह से हम हर एक इसमें भर रहे हैं, साइज अपने हिसाब से कर रहे हैं। और इसमें ऑयल नहीं हमने बहुत ज़्यादा ऐड किया हुआ है, और बस इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए वन साइड। फिर हम इसे बहुत अच्छे से पलट लेंगे। पलटने में चलिए दिखाते हैं आपको किस तरह से डाउन में हुआ है। ऑयल कम है तो वो थोड़ा इस तरह से देखिए काफ़ी अच्छा ब्राउन हुआ है वन साइड, और एक साइड से। और फिर हम इस तरह से सारे पलट लेंगे और 5 मिनट के लिए इसे भी कवर करके पलट देंगे। इस तरह से सारे हम पलट रहे हैं वन बाय वन। ये देखिए इस तरह से सारे हम पलट रहे हैं, काफ़ी आसानी से हो जाती है, ज़रूरत नहीं पड़ती बहुत ज़्यादा ऑयल की। और नॉन स्टिक भी है तो ऑयल बच जाता है हमारा, और हेल्दी भी डिशेस हमारी बन जाती है। 5 मिनट फिर हम कवर कर रहे हैं, और 5 मिनट इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी स्टीम और विदाउट ऑयल से बहुत ही अच्छे से बन जाती हैं। ये देखिए कंप्लीट रेडी है और काफ़ी अच्छी हुई है, ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम इनकी चाट बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाते हैं हम इसकी चाट। ये देखिए आइए निकाल लेते हैं, और एक एक इस तरह से ये देखिए काफ़ी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इनकी चाट तैयार करेंगे। ये कंप्लीट हमने कर लिया है, इस तरह से पूरे बने हैं, और अब हम इसकी चाट बना रहे हैं। चाट बनाने में मैंने यहाँ पर एक ग्रीन चटनी को दही में मिक्स किया है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। बहुत थोड़ी सी चटनी मिक्स कर रही हूँ दही में, और अच्छे से उसको बीट कर दिया था मैंने। अभी देखिए हमने प्लेट रख ली है, यहाँ पर हम रेडी करेंगे कि चाट को हमें सर्व कैसे करनी है। बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है, तो यहाँ पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। एक बार ज़रूर ट्राई करके जो भी आपके सही कमेंट्स है, जो भी कमेंट्स है आपके, तो वो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ इम्प्रूव करना है तो मैं कर सकूं। ये इस तरह से देखिए दही में मैंने मिक्स किया है चटनी, तो उसके कलर भी खट्टी चटनी है, खट्टी मीठी सी बहुत अच्छी लगती है। मीठी इन द सेंस कि मैंने उसमें थोड़ी सी गुड़ ऐड किए थे, बहुत ही थोड़ी सी, और इसमें इमली की चटनी है, हरा धनिया, इमली की चटनी है, और दही में मिक्स किया था। तो इस तरह से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। कुछ मैंने सैलड यहाँ पर कद्दूकस करके रखे हुए थे, जैसे कि खीरा है यानी कि क्यूकम्बर, तो उसके बाहर का जो हिस्सा है उसको भी मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ था। मैंने मूली, रेडिश उसके भी, और गाजर, ये तीनों को मैंने अच्छे से कद्दूकस किया था। अब मैं इसके ऊपर इसको बहुत ढेर सारी क्वांटिटी में ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम यहाँ पर हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा इनटेक करना है। तो हम ये इस तरह से हम सैलड भी बहुत अच्छे से क्वांटिटी में खा सकते हैं। तो ये इस तरह से ऐड कर रही हूँ, थोड़े से मिंट एंड थोड़े से यहाँ पर हरे धनिया के पत्ते ऐड कर रही हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। सूखे जो मसाले, जीरा पाउडर, जो मेरा दही वड़ा मसाला है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके भी लिंक दे दूँगी, वो भी इस पर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, और भी टेस्ट इन्हांस हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है, तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और हम इसमें थोड़ा सा और कुछ नया कर रहे हैं, यहाँ पर हनी ऐड कर रही हूँ मैं, 1/2 टीस्पून है ये इस तरह से हनी। अगर नहीं चाहें हनी नहीं लेना है, कोई डायबिटिक है तो आप हनी नहीं यूज़ कर सकते, तो भी आपको टेस्ट आएगा। सो इस तरह से मैं ये ऐड कर रही हूँ। अब ये तैयार है खाने के लिए, और इसे खाएँ, इसका मज़ा उठाएँ, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.